मैं आज ये शान की शाही हलीम मिक्स बना रही हूँ। जब मैं इसको वैसे बनाती थी पॉट में तो मुझे ये तकरीबन 6-7 घंटे लग जाते थे, मगर आज मैं न्यूट्रीकुक में बना रही हूँ स्मार्ट पॉट में। अब ये ऑयल जो है ये हॉट हो गया है, इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। 500 ग्राम बोनलेस चिकन, मैं बोन नहीं डालती। ऑयल इज हॉट, मैं इसमें चिकन डाल दिए। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसके अंदर साथ में ये शान का जो मसाला है ये सारा इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सोटे मोड पे है, इतना मिक्स करना है, इतना करना है इसको सोटे के चिकन जो है वो वाइट हो जाए। 5 मिनट्स तक ये हो जाएगा वाइट। ये देखेंगे अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन कोई 5 मिनट्स तक। मैंने जब से न्यूट्रीकुक में बनाया हलीम तो इट्स सो इजी और इतने शॉर्ट टाइम में बन जाती है। ये देखिए 5 मिनट्स हो गए, चिकन अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें मैं ये दाल डाल दूंगी जो बॉक्स में है, वही दाल मैं सारी इसमें डाल दूंगी। मैंने ये शाही हलीम ही हमेशा बनाई है और मैंने जब भी बनाई है मेरे सारे जो है फैमिली फ्रेंड्स उन्होंने हमेशा बहुत मज़े से खाई है और सबको इतनी पसंद आई है कि हमेशा सबने तारीफ ही की है। इसको अच्छे से दाल डाल के ये जो सारा है इसको मिक्स करना है अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें 6 कप ऑफ वाटर डाल दूंगी। अभी मैं आपके सामने 6 कप्स ऑफ वाटर डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये थी ये मैंने 6 कप्स वाटर डाल दिए। आपको बस अब ये हो गया, इसके ऊपर अब मैं लिड लगा दूंगी। ये मैंने लिड लॉक कर दी है। मैं सॉटे को कैंसिल कर दूंगी और अब मैं यहाँ से, क्योंकि ये ओटमील है, मैं ओटमील सेलेक्ट करूंगी और ओटमील को मैं 45 मिनट्स पे लगा दूंगी। ये 45 मिनट्स पे और हाई पे करना है। अब ये स्टार्ट हो जाएगा, इसको मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जी अब मैंने न्यूट्रीकुक ऑन कर दिया, ऑन हो गया। अब ये खुद ही अपना प्रेशर बिल्ड करके 45 मिनट्स में मेरी हलीम फुली कुक्ड होगी। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब ये 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो वो जो है साइकिल ऑफ हो गई थी। जो स्मार्ट पॉट है उसने रिंग की थी और उसके बाद अब मैंने उसको ऑफ कर दिया, इसलिए उसके ऊपर ऑफ लिखा हुआ है। अब मैं इसको नेचुरल रिलीज होने दूंगी स्टीम को। अगर नेचुरल रिलीज नहीं करना तो इसको प्रेस करते हैं, इस बटन को। अब ये प्रेशर रिलीज हो चुका है। जो ये पिन थी अब ये नीचे वॉल हो गई है। तो अब मैं इसकी लिड ओपन करूंगी और हम देखते हैं कि हमारी हलीम कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हलीम, इसको मिक्स करते हैं। ये देखें सब गला हुआ है, इसकी बोटियां भी गली हुई हैं। ये देखें आराम से टूट गई है, हलीम हमारा गल चुका है। नाउ आई विल ब्लेंड इट विद द हैंड ब्लेंडर। Now I am frying the onions for putting on top of haleem. This is the haleem after blending. I have blended it. I have kept it on saute mode. See, it's so nice. It's thick and it's grainy. It's not. I did not make a paste of it. There are little chunks of grains as well. And now I will just put the onions. When they will get brown, I will put in this haleem, and that will be the end. The onions are golden brown now, so I will put these in a haleem, and I will put it on saute for five more minutes, and it is done. I will just put these in haleem. I will put these fried onions in haleem. I will give it a good mix. This is the last step of making this yummy, delicious haleem. See, it's so yum. It's really yummy. You should really try this recipe. It's so easy and so yummy. Now I will turn it on saute mode. On saute mode, on low for 5 minutes will be fine. Saute low for 5 minutes, and then it will be done. So this is the final look of haleem. I'm going to sprinkle some chaat masala on this. And I will add some fried onions on top of this. And your yummy haleem is ready. This is the final look. And it's super delicious and made in a very short time. Do try this recipe and follow my channel, subscribe to my channel for more yummy recipes.